हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? अब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके, गॉजी थ्योरम कर चुके, इलेक्ट्रिक डायपोल को लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था हमने। अब तक जितना काम मैंने करवाया है आपको, उसके आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए अभी तक, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना और वहाँ एक लिंक मिलेगा आपको गूगल ड्राइव का, आप उसके ऊपर क्लिक कर देना। सिर्फ आपको मेरे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, तो उनकी हेल्प भी लेना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना। इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। कहाँ पर? एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर एंड एनीवेयर। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी डायपोल के कारण, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर एंड एट एनीवेयर। तो जब आर्टिकल्स एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अक्सर कंफ्यूजन आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछा होता है, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के आर्टिकल्स में डिफरेंस है बहुत, तो ध्यान से करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आर्टिकल इजी भी पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट आर्टिकल जो कर रहे हैं आज अपना इस वीडियो के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। ये एक डायपोल बना लिया हमने, जैसा हर बार लेते हैं ए बी और से प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज। इक्विटोरियल लाइन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बोलते हैं। देखो ये सेंटर था डायपोल का, डायपोल की लेंथ 12, सेंटर से ए डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया मैंने पी, ए डिस्टेंस के ऊपर। वहां पर ए पर जो चार्ज रखा है उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा वी ए। फार्मूला क्या था वो अप्लाई कर दो, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, और डिस्टेंस कितना बनेगा ए से बी का, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर, तो आर की जगह क्या लिख लिया हम यहाँ, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली वी बी, बी पर जो चार्ज रखा है उसके कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और ए स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर पावर 1/2। यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आर्टिकल्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए साइन साथ में लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो वहां डायरेक्शन बताते हैं अपने को साइंस। अपने को तब पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड कर दो वी ए प्लस वी बी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐड करेंगे कितना आएगा, जीरो। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आता है यहां से कि डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर देखोगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। सेकंड नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं हम लोग, एक्सियल लाइन के ऊपर निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नोट करने प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये देखो ये डायपोल बना लिया फिर दोबारा से मैंने ए बी, डायपोल की लेंथ 12, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ये एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है पी सेंटर से जो कि ए डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। ये तो पी पॉइंट पर ए के कारण कितना पोटेंशियल होगा जब ए पर चार्ज रखा है, डिस्टेंस कितनी बनेगी इसे, ए प्लस एल मीन्स वी विल राइट माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और ए प्लस एल। माइनस क्यों लिखा इस बार क्योंकि मैंने ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिया इस बार, इसलिए माइनस आया है। बी पर प्लस का तो प्लस का आ जाएगा पोटेंशियल, वी बी दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन ए माइनस एल। पी पॉइंट से बी की डिस्टेंस निकालनी है तो इस सारे में से घटाना पड़ेगा, तो मैं लिख दिया ए माइनस एल। टोटल पोटेंशियल
VA प्लस VB सिंपली ऐड कर दो, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और कॉमन आ जाएगा 1 ओवर A माइनस L माइनस 1 ओवर A प्लस L। यही सॉल्व कर रहा हूं इसके अंदर, A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहां ऊपर आ गया A प्लस L और इधर माइनस का A प्लस का L, A से कैंसिल हो गया, यू गेट 2L ओवर A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा भैया, Q इंटू 2L क्या होता है P, तो आई कैन राइट P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा डिनोमिनेटर के अंदर A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये पोटेंशियल का फार्मूला है एक्सल लाइन पर कोई पॉइंट हो वहां निकालने के लिए। इसका थर्ड आर्टिकल लेंगे, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग एट ए पॉइंट एनीवेयर। अब वो पॉइंट ना तो एक्सल लाइन के ऊपर और ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन, ऑन नहीं लिखेंगे आप, एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये देखो ये डायपोल लिया है मैंने, इस वाला आर्टिकल लिया है, ए बी डायपोल का नाम रख दिया। जैसे हर बार लेते हैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ माइनस क्यू चार्ज, सेंटर ओ, ये है कोई पॉइंट बी, ना तो एक्सिस लाइन के ऊपर आ रहा है और ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। इसकी डिस्टेंस ए से तो बनेगी सपोज आर वन और बी से डिस्टेंस इसकी आर टू, और सेंटर से देखें अगर हम, सेंटर जो डायपोल का था ओ से डिस्टेंस भी पॉइंट की लेट इट बी आर, जैसे अब तक किया वैसे इसको करो कंटिन्यू। वी ए दैट विल बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और आर वन, ए से डिस्टेंस आर वन है बी पॉइंट की, बी बी माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और आर टू। नेट पोटेंशियल निकालना है, सिंपली ऐड कर दो वी ए प्लस वी बी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और कॉमन आ गया 1 बाय आर वन माइनस 1 बाय आर टू। इसको सॉल्व कर लो, यहीं पर आर वन इंटू आर टू एल्स ले लिया, आर टू माइनस आर वन। डायपोल का साइज कितना होता है, डायपोल का साइज 10^-2 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर, पेन की जो टिप होती है उससे भी छोटा होता है बहुत। इट मींस यहां अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊं, आर वन इज नियरली इक्वल टू आर, आर टू इज नियरली इक्वल टू आर, सो आर वन इंटू आर टू नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर। सो सॉल्व करने आगे तो R1 R2 को तो लिख सकते हैं R स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेशन यहां क्यों नहीं लगा सकते हम, क्योंकि मैथ कहता है अप्रोक्सीमेशन वहां लगाओ जहां अप्लाई करने से फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आता। अब एग्जांपल के लिए 1 लाख के अंदर 1 लाख रुपीस के अंदर 5 पैसे जोड़ने हैं, जीरो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1 लाख को 5 पैसे मल्टीप्लाई करना हो तो वहां 5 पैसे को जीरो नहीं मान सकते, सारा रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा हमारा। तो यहां तो हमने आर स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसी को सॉल्व करेंगे हम। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस पॉइंट का नाम एन, यहां सॉल्व कर रहा हूं। आई कैन राइट बी टी इज इक्वल टू बी एन प्लस एन बी। परपेंडिकुलर ड्रा करने का फायदा क्या हुआ, हेयर नाउ ए पी इज इक्वल टू एन पी, सो आई कैन राइट बी पी मीन्स आर टू बी एन, ये निकालना है प्लस एन पी, एन पी इज इक्वल टू आर वन, तो यहां से आर टू माइनस आर वन कितना बनेगा, बी एन पी इक्वल बनेगा। हमें तो सिर्फ डायपोल की लेंथ पता है और डायपोल से पी पॉइंट की डिस्टेंस पता है, हमारे लिए तो बी एन भी अभी अननोन है। हमें क्या मालूम है डायपोल की लेंथ, जो कि हमेशा 2L लेते हैं। लेट दिस एंगल इज थीटा, तो ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, दोनों किस में आते हैं, कॉस थीटा में आते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मींस बी एन ओवर ए बी, ए बी इज
12, यहां से bn की वैल्यू कितनी आ गई 12 cos थीटा, bn = 12 cos थीटा और bn इसके इक्वल था r2 - r1 के, तो यहां लिख सकते हैं हम आगे q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और ये तो एज इट इज लिख दिया, r2 - r1 की जगह 12 cos थीटा ओवर r स्क्वायर। अगर डिस्टेंस सेंटर से a लेंगे तो इसके आ जाएगा, r लेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, q into 12 क्या होता है p, सो आई कैन राइट p cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर, ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा। इसके आप स्पेशल केस कर सकते हो, यहां पर जो इससे पहले दो आर्टिकल ड्राइव किए हमने एक्सियल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का, वो भी यहां से ड्राइव हो जाएंगे। कैसे, सपोज ये स्पेशल केस, फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 का ले हम लोग तो पी पॉइंट कहां पहुंच जाएगा इसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, कॉस 90 कितना होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब 0 हो जाएगा, मींस v इज इक्वल टू 0। तो यही तो रिजल्ट ड्राइव किया था हमने अभी कि डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। अब सेकंड स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होने का मतलब क्या होगा, यहां पहुंच जाएगा बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर, तो v कितना बनेगा, cos 0 कितना होता है 1, वी विल राइट p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर, यही तो ड्राइव किया था एक्सियल लाइन के केस में। इसका देखो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ थर्ड स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर मैं इस p पॉइंट को इधर ले आऊं एक्सियल लाइन के ऊपर, ये भी cos 180 कितना होता है माइनस वन, तो इस पर बी अलग आ जाएगा हमारा, क्या आएगा माइनस पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर, ये भी एक्सेल लाइन पर, ये भी एक्सेल लाइन पर, फिर दोनों रिजल्ट डिफरेंट क्यों आए, ये रिजल्ट दूसरे मैच नहीं कर रहा, जो लास्ट आर्टिकल था हमारा एक्सेल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था हमने, ध्यान दो थोड़ा सा, जब थीटा 0 लिया तो पी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास था, जब थीटा को 180 लिया तो पी पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास था, अगर पॉजिटिव चार्ज के पास पड़ रहा है तो पोटेंशियल पॉजिटिव का ज्यादा होगा इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ लोगे पी पॉइंट को तो नेगेटिव का पोटेंशियल ज्यादा होगा इसलिए नेट पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा, इसको नोट कर लो। तो यहां तीन आर्टिकल्स हमारे कवर होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन पर निकालना सीख लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे सीख लिया हमने, और फिर एनीवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का आर्टिकल तो पहले भी आता है, वो डायपोल के लिए निकाल दिया हमने, अब चार्जेस की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्जेस की, पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमारे पास दो चार्ज भी हो सकते हैं और वी कैन हैव मोर देन टू चार्जेस, हाउ वी कैन डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में आपको पहले बताया, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जांपल के लिए मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, तो दोनों में फोर्स कितना लगेगा, दोनों में फोर्स कितना लगेगा 0, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हैं। अगर दोनों को उस नेबरहुड में लेके आए, मतलब एक चार्ज को दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, इन डूइंग सो वी हैव टू डू सम वर्क एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसके नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, हेल्प ले सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपको एड्रेस मिलेगा आज। तो फर्स्ट हम लोग इसकी दो चार्ज है हमारे पास Q1 Q2, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, डेफिनेशन इसकी डिफाइन करना हो तो बोल रहा हूं आप साथ लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, दो के लिए डिफाइन कर रहे हैं ना, फॉर ए सिस्टम ऑफ
टू चार्जेस कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जैसे कि हमेशा बोलता हूँ वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में जाता है, कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेस फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ इंफिनिटी टू एट सम सेपरेशन आर, या फ्रॉम ए सेपरेशन ऑफ इंफिनिटी टू एट सम डिस्टेंस आर। आप देखो ये Q1 चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां रखा हुआ है Q2 चार्ज, दोनों में कितना फोर्स लग रहा है, जीरो, क्यों, सेकंड वाला फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अगर मैं इस Q2 चार्ज को यहां रख दूं, Q2 चार्ज P पॉइंट पर रखा हुआ है सपोज, तो दोनों में कितना फोर्स लग रहा है, Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इफ r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस। नाउ अब मैंने क्या किया, Q2 चार्ज को P से P डैश तक मूव किया, सेम आर्टिकल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी, आप वहां से भी कंसर्न कर सकते हो। मैंने Q2 चार्ज को कितना मूव किया, P से P डैश स्मॉल डिस्टेंस लिया, देन यहां लिख सकते हैं लाइन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू P डैश। जो Q2 पे फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में था, हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्मॉल वर्क कितना करना पड़ेगा, F डॉट dr, दोनों में एंगल 180 का है, F dr cos 180, cos 180 कितना होता है माइनस वन, सो वी विल राइट Q की वैल्यू पुट कर रहा हूँ F की, माइनस Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये तो स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क है, हम कहां से कहां लाना चाहते हैं चार्ज को, इनफिनिटी से आर डिस्टेंस के ऊपर, तो फॉर टोटल वर्क, फॉर टोटल वर्क दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डीआर विद नेगेटिव साइन, माइनस क्यू वन क्यू टू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, 1 बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाय आर, लिमिट क्या थी हमारी इनफिनिटी से आर तक, इनफिनिटी से आर तक, तो क्या मिल जाएगा अपने को, यहां लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मिलेगा अपने को W इज इक्वल टू नेट वर्क डन टोटल वर्क डन Q1 Q2 ओवर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और माइनस माइनस प्लस का बन गया ओवर R, माइनस Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और इनटू इनफिनिटी, ये टर्म तो हो गई जीरो, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो जीरो मिलता है अपने को, तो क्या मिल गया Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R, किस चार्ज को मूव किया Q2 को, इस आर्टिकल में कहां लेके आए थे P पॉइंट पर, अगर मैं आपसे पूछूं P पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना है तो क्या बोलोगे Q1 over 4 pi epsilon और R, तो it means ये तो potential का formula है V into Q2, एक most important result मिलेगा अपने को यहां से, अब ध्यान से सुनना है और नोट करना है, किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट पर लेके आते हैं फील्ड के अंदर, then we have to do वर्क, न्यूमेरिकल्स बहुत है इस टॉपिक के ऊपर, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो एक सिंपल सी लाइन बोलता हूं भाई, जिस पॉइंट पर लेके आए हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल
इनटू जो चार्ज लेके आए हो, तो वर्क का जनरल फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल लिख देता हूं यहां, वर्क कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? जिस पॉइंट पर लेके आए हो उस पॉइंट का पोटेंशियल। हम आर्टिकल कौन सा कर रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो यहां दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हेंस पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू से लिखते हैं। फार्मूला मिल गया आपको Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r। इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट एनर्जी है सिंपल जूल, एंड दिस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहा हूं इसी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने दो चार्जेस के लिए डिफाइन की। इफ वी हैव टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम में थ्री चार्जेस हैं, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट आर्टिकल लिया मैंने फॉर ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, डेफिनेशन क्या बनेगी? अब देखो इस आर्टिकल को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। दो चार्ज थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर थे, उनको पास में ले आया, जो वर्क करना पड़ा उसको बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम के अंदर तीन चार्ज रखने हैं, अब तीन चार्ज है, एक दो तीन, तीनों दूर दूर है। हाउ मच वर्क वी हैव टू डू इन असेंबलिंग द सिस्टम, असेंबलिंग द सिस्टम मतलब एक सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम के अंदर चार्ज रखेंगे, दे विल एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, बाहर रखे हुए तो फोर्स नहीं लगेगा। तो नोट करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की सेकेंड डेफिनेशन फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग नंबर ऑफ चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस, जिस सिस्टम है जो उसको असेंबल करने में बनाने में जो वर्क हमें करना पड़ेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बना लिया हम यहाँ पर, ये सिस्टम बनाता हूँ। देखो पहले ये सिस्टम ले लिया मैंने ए बी सी डी, ये ऐसा सिस्टम लिया, इसके अंदर चार्ज रखूंगा तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बाहर रखूंगे तो कह सकते हो इनफिनिटी डिस्टेंस पर है, दे आर नॉट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। इस सिस्टम के अंदर मैं पहले Q1 को लेके आया, हाउ मच वर्क वी हैव टू डू वही बताओ। इस चोक को उठा के यहां से यहां तक रख दिया, मेरे को फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? आंसर जीरो। क्यों? यहां फ्रिक्शन का फोर्स ही नहीं है। इस चोक को मैंने यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया, ग्रेविटी अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि यहां तो फ्रिक्शन का आएगा, यहां ग्रेविटी का आएगा। ऐसे ही जब मैं Q1 को इस सिस्टम के अंदर लेके आया तो कोई दूसरा चार्ज ही नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स लगाए अगेंस्ट में और फेवर में, देन W1 विल बी इक्वल टू जीरो। इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर मेजर डिफरेंस यही है। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम एक पॉइंट चार्ज के कारण डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड ऑलवेज फॉर ए सिस्टम, सिस्टम का मतलब मे बी टू और मोर देन टू चार्जेस। आप इस सिस्टम के अंदर Q2 चार्ज को लेके आए, हाउ मच वर्क वी हैव टू डू? लेट इट बी W2। मैंने आपको कहा था फार्मूला लास्ट आर्टिकल में, जस्ट वर्क का फार्मूला, जिस पॉइंट पर लेके आए हो उसके ऊपर पोटेंशियल, फर्स्ट के काम मिलेगा ना सिर्फ अपने को, डिस्टेंस R12 मान लो, तो V1 इंटू Q2 पोटेंशियल Q1 के कारण है, चार्ज लेके आया हूं Q2, क्या फार्मूला बन गया? Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और R12। अगर मेरे को दो चार्जेस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो W1 प्लस W2, वही रिजल्ट आ गया जो लास्ट आर्टिकल का था। अब इस सिस्टम में हम Q3 चार्ज लेके आते हैं, हाउ मच वर्क वी हैव टू डू? लेट इट बी W3।
जिस पॉइंट पर लेके आया उस पॉइंट पर पोटेंशियल इस बार क्यू वन के कारण भी है और क्यू टू के कारण भी है, तो वी वन टू इंटू क्यू थ्री। वी वन टू का मीनिंग यहाँ कि पोटेंशियल इंटू वन प्लस पोटेंशियल इंटू टू, आई कैन राइट इट एज क्यू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन और आर वन थ्री प्लस टू के कारण Q2 over 4 pi epsilon or R23 into Q3 bracket kolo Q1 Q3 over 4 pi epsilon or R13 plus Q2 Q3 over 4 pi epsilon or R23 aim tha hamara 3 charge ke karan थ्री चार्ज सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री। डब्ल्यू वन जीरो था, डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी थी, क्यू वन क्यू टू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन और आर वन टू। डब्ल्यू थ्री की वैल्यू कितनी है, क्यू वन क्यू थ्री ओवर फोर पाई एप्सिलॉन और आर वन थ्री प्लस Q2 Q3 over 4 pi epsilon r23। ये थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला गया। ऐसे अगर फोर्थ चार्ज पार्टिकल लेके आओ सिस्टम में तो पोटेंशियल तीनों के कारण बनेगा, वहां लिखेंगे हम लोग W4 V1 2 3 into Q4। ऐसे कितने के लिए भी कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है न्यूमेरिकल। जैसे बुक्स के अंदर एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज रख दिए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब क्या किया, सम वर्क इज डन इन सच ए मैनर दैट साइड ऑफ द ट्रायंगल रिड्यूसेस टू हाफ। पहले इस ट्रायंगल के थे, अब यहां रखे हुए तीनों चार्ज भाई। ऐसा करने के लिए हाउ मच वर्क वी हैव टू डू, तो आप इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो इस फार्मूले से, इसके निकालो दोनों का डिफरेंस आपको आंसर देगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। जो आज किया है इसके नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना वहां एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। अब नोट्स प्रिपेयर करो और नेक्स्ट टाइम एक असाइनमेंट दूंगा आपको, जितना काम हम लोग कर चुके हैं अब तक उसके ऊपर बेस्ड होगी, वो करके मेरे को वापस सेंड करना। थैंक यू।